Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the video about history and इस video में हम history के कुछ topics करेंगे. Actually first year की जो history है तमिलनाडु टेक्स्ट बुक की, ये हम complete करेंगे. इसके अंदर आपका ancient and medieval cover हो जाएगा, modern आप spectrum से कर लीजिएगा. Okay, so higher secondary ये आप net से download कर लीजिए. इसके अंदर आपके वैसे तो 672 पेजेस हैं, लेकिन हमें सिर्फ 11th का करना है, तो हमें 232 पेजेस तक ही करना है बस. ओके, तो हार्डली 5 or 6 डेज. ये आप सिलेबस देख सकते हैं, स्टोन एज है, वैदिक पीरियड है, मगध है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, देन आपका प्री मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड, सतवाहना, कुशानाज, संगम एज, गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धन, देन आपके सारे साउथ इंडियन के एम्पायर्स, कल्चरल रिलेशंस, देन आपके इंडियन ड्यूरिंग अरब इन्वेजन्स, देन दिल्ली सुल्तान्स, देन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस अंडर द सुल्तनत ऑफ दिल्ली, देन भक्ति मूवमेंट है, आपकी भामनी किंगडम्स हैं, मुगल एम्पायर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंडीशंस वगैरह, राइज ऑफ मराठास एंड कमिंग ऑफ द यूरोपियंस टू इंडिया. इसके बाद जैसे ही कमिंग ऑफ द यूरोपियंस है तो आपका चैप्टर्स यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेक्ट्रम से. तो हम ये टॉपिक्स करेंगे. ओके, तो ये टॉपिक्स हम करेंगे अपने, एंड 258 पेजेस लिखे हुए हैं, तो 258 पेजेस तक हम ये करेंगे. सो हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप वो क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करें. ओके, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हों. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया ज्योग्राफिकल फीचर्स और उसका इम्पैक्ट क्या रहा हिस्ट्री में. इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स, हिमालयन माउंटेन्स, उसका इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री पे, गंगेटिक प्लेन्स, उसका रोल इंडियन हिस्ट्री में, साउदर्न पेनिनसुला, इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे देखिए, कुछ आपको बस यही बोला है कि हिस्ट्री की टू आईज होती हैं, एक तो क्रोनोलॉजी, एक ज्योग्राफी. मतलब कोई एरिया कैसा है उससे उसका इतिहास बन सकता है, एंड टाइम पीरियड से भी. तो टाइम एंड स्पेस, ये टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी प्रोसेस को डिसाइड करने के लिए. तो ये हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है. ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो एशिया हो गया, इंडिया उसके अंदर है, तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है. तो हमारी काफ़ी वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है, एंड हम तीन मेन रीजन के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ऊपर है आपका हिमालयन माउंटेन्स, देन आपका इंडो गंगेटिक प्लेन्स, एंड देन आपका साउथ में आ जाता है साउदर्न पेनिनसुला. एंड ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर 5 कंट्रीज हैं. इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो देखो पहले इंडिपेंडेंस के पहले तीनों एक ही कंट्री थी, इंडिया ही थी. तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही, साथ में आप नेपाल एंड भूटान, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो बिल्कुल इंडिया को लगते हुए ही है. एंड इंडिया लार्जेस्ट है इन सभी कंट्रीज़ में. 28 स्टेट्स अब यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब 28 नहीं है, क्योंकि अब आपके पास हो गई हैं 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. ओके, अब 29 थी, ये आई थिंक थोड़ा पुराना हो गया है, तो 29 थी, एंड अब आपके पास एक कम हो गई है, तो 28 एंड आपकी 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. ठीक है, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग देखिए 100 करोड़ थी पॉपुलेशन, अब तो 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ को भी पार कर चुकी है. तो सबसे पहले देखिए हिमालय माउंटेन्स. हिमालय माउंटेन्स नॉर्थ में होती हैं. कहाँ से स्टार्ट होती हैं? नॉर्थ वेस्ट के पामिर रीजन से, एंड ये नॉर्थ ईस्ट तक जाती हैं. इनकी जो लेंथ है वो है 2560 किलोमीटर, एंड जो चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर तक है. हिमालय में जो आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी वो मिलेगी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8869. अब ये वॉल की तरह भी काम करती है, और जो साइबेरिया से जो कोल्ड आर्कटिक विंड्स आ रही होती हैं उनको, उनसे भी प्रोटेक्ट करती है. तो इससे जो नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, गर्म गर्म सा ही रहता है, फेयरली वार्म रहता है. तो हिमालय रीजन जो है विंटर में क्या हो जाता है, पूरा मतलब वहाँ पे बर्फ गिरती है. तो लॉन्ग टाइम से यही कंसीडर किया गया है कि जो हिमालय है वो दूसरे लोगों को इन्वेड करने से वहाँ से रोकती है, इसलिए हिमालय को क्रॉस करके आना मुश्किल है. लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहाँ पे कुछ पासेस बने हुए हैं, तो इन पासेस का नाम ध्यान रखिएगा. एक तो आपका खाइबर, बोलन, खुर्रम और गोमल. एक बार और बता देती हूँ, खाइबर, बोलन, खुर्रम एंड गोलम. तो आपका खाइबर है, बोलन है, कुर्रम है और गोमल है. ठीक है, KBKG. तो यहाँ से सेंट्रल एशिया और इंडिया के बीच में इजी रूट्स बन जाते हैं. अब ये जो पासेज हैं ये कहाँ कहाँ है, एक तो हिंदू कुश, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस के अंदर,
कहाँ कहाँ है? हिंदू कुश, सुलेमान एंड किरथार रेंजेस के अंदर। प्री हिस्टोरिक टाइम से इन पासेस से काफ़ी लोग आए हैं, एंड इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स, चाहे वो इंडो आर्यंस हो, इंडो ग्रीक्स हो, पार्थियंस हो, साकाज हो, कुशनज हो, होनाज हुंस हो, तुर्क्स हो, तो वो सब यहाँ से आए हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रूट ध्यान रखिएगा, स्वैट वैली। स्वैट वैली यहीं पे है, एंड जो एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडन थे वो भी इसी रूट से आए थे, स्वैट वैली से ही आए थे। इन्वेडिंग आर्मीज़ को छोड़ के काफ़ी सारे मिशनरीज एंड मर्चेंट्स भी इंडिया में आए हैं इन रूट्स को यूज़ करके। तो ये जो पासेज है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, इससे ट्रेड भी होती है एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स भी बने हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। अब जो कश्मीर है, कश्मीर में आपने ये मैप देखा होगा ऐसे, कश्मीर, कश्मीर में जो सबसे ऊपर है वो है आपका कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज के अंदर ही सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक कश्मीर के कराकोरम रेंज माउंट गॉडविन ऑस्टिन के अंदर है। ये ध्यान रखिएगा, जो आपके माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है सिर्फ हिमालय की, पूरे वर्ल्ड की नहीं लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। नाउ ये जो पार्ट है हिमालय के, ये जो पासेज है हाई एंड स्नो कवर्ड रहते हैं, देन यहाँ पे आपके कराकोरम हाईवे है विया गिलगिट, जो कि कनेक्टेड है सेंट्रल एशिया से, लेकिन काफ़ी कम कम्युनिकेशन है। अब जो कश्मीर है उसके आसपास माउंटेन्स है एंड सेवरल पासेस से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। ट्रेडिशन कल्चर वहाँ का डिफरेंट है, वहीं पे हिमालयास के फुट में ही आपको नेपाल भी देखने को मिलता है, गंगेटिक प्लेन्स भी हैं। इस साइड में जो हिमालय है वो आसाम तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका आसाम पड़ेगा। एंड जो इम्पोर्टेंट माउंटेन है इस रीजन में वो क्या, कौन कौन सी है आपकी, सबके पीछे आई आई आई, मतलब आई 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 आता है, दैट इज़ पटकोई, नागाई, लुशाई। एंड ये जो हिल्स हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब थिक फॉरेस्ट है, क्योंकि बहुत हैवी बारिश होती है, एंड रिमेन इनहॉस्पिटेबल। जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया की, उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, तो वो आइसोलेटेड ही रहती हैं। ओके, ये हो गया आपका हिमालयन रीजन, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। अब आ जाते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन में। इंडो गैंगेटिक प्लेन में आपकी तीन रिवर्स हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। ये एरिया बहुत फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल हो, ठीक है, नॉर्थ एरिया के अंदर आपकी एलुवियल सॉइल है होती है। एंड जो इंडस रिवर है वो हिमालय के बियॉन्ड राइज होती है, एंड इंडस की पाँच ट्रिब्यूटरीज हैं, जेलम, चेनाब, रवि, सुतलेज एंड बीस। अब यहाँ पे जो प्लेन है उनको इंडस रिवर सिस्टम पानी देती है। पंजाब, पंजाब का मतलब ही है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। एंड जो सिंध है वो लोअर वैली ऑफ इंडस के यहाँ पर सिचुएटेड है, एंड इंडस प्लेन बहुत फर्टाइल सॉइल है। देन आपका जो थार डेजर्ट है, अरावली हिल्स है, वो भी इंडस एंड गंगेटिक प्लेन्स के बीच में ही आता है। माउंट अबू जो कि उदयपुर में है, अरावली हिल्स सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, 5650 फीट इसकी हाइट है। गंगा रिवर जो बेसिन है वो हिमालय से आती है, गंगा जो है वो हिमालय से आती है एंड फिर साउथ की तरफ फ्लो करती है और फिर ईस्ट की तरफ। ओके, जो रिवर यमुना है वो गंगा के पैरेलल ही चलती है एंड फिर उसे क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है। जहाँ पे ये दोनों रिवर ज्वाइन होती हैं उस एरिया को दोआब कहते हैं, मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अब गंगा की जो इम्पॉर्टेंट मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखिए, तीन के नाम तो जी से ही हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, एक और ध्यान रखिएगा सरायू। ओके, अब आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट में इंडिया के जब मतलब आप ऐसे जा रहे हैं ईस्ट में, तो जो गंगा के जो प्लेन्स है वो यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है एंड ये ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी हिमालय से परे राइज होती है एंड तिब्बत से फ्लो होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के प्लेन्स से होते हुए, एंड एक स्लो रिवर, स्लो मूविंग रिवर है, वास्ट है लेकिन एक स्लो मूविंग रिवर है। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है उसे अर्बन सेंटर्स बने, क्योंकि हड़प्पन कल्चर, आपको पता होगा हड़प्पा कल्चर इंडस वैली में ही फ्लरिश हुआ, वैदिक कल्चर भी गंगेटिक प्लेन में ही प्रॉस्पर हुए। देन आपका बनारस शहर, अलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं गंगेटिक प्लेन के। जो पाटलिपुत्र है वो सन सन जो है वो भी एक रिवर का नाम है, जहाँ पे सन और गंगा जो है उनका कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र कहाँ है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सन रिवर विद द गंगाज। एंशियंट पीरियड में जो पाटलिपुत्र था वो देखिए कैपिटल रहा मौर्य का भी, शुंगा का भी, गुप्ता का भी एंड भी और भी काफी सारे किंगडम्स का, तो वो हम सभी पढ़ेंगे।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है वेस्टर्न साइड में, गंगेटिक प्लेन के वेस्टर्न साइड में, वो है आपकी दिल्ली। एंड दिल्ली में बहुत सारे बैटल्स भी, आपको पता होगा दिल्ली के पास ही हरियाणा है, वहाँ पे बैटल ऑफ तराइन हुए, बैटल ऑफ पानीपत हुए, कुरुक्षेत्र हुआ। तो ये प्लेन जो है वो टेम्पटेशन एंड अट्रैक्शन का एरिया है फॉरेन इन्वेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव वेल्थ है, इंपॉर्टेंट पावर्स यहाँ पे लड़ी है इन प्लेन्स एंड इन वैलीज के लिए। खास करके जो गंगा यमुना दोआब है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया साबित हुआ है। तो इस रीजन के अंदर जो रिवर्स है वहाँ पे कॉमर्स, कम्युनिकेशन, एंड ये क्वेश्चन देखिए मेंस में आया हुआ है कि ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो आपके यहाँ पे पानीपत में क्यों हुई है। तो यही सब लिखना होता है कि कॉमर्स, कम्युनिकेशन, एंड एंशियंट टाइम्स में रोड्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, तो मैन और मटेरियल जो थे वो बोट से मूव किए जाते थे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स यहाँ से पता चलती है, एंड टिल द डेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पता चल रही है। अब आपका हो गया हिमालयस हो गई, इंडो गंगेटिक प्लेन्स हो गए। अब आपका साउथ पार्ट में आएगा साउदर्न पेनिनसुला। यहाँ पे आपको पता होगा नर्मदा और तापी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। एंड जो विंध्या एंड जो सतपुरा रेंजेस हैं अलॉन्ग विद नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स, वो डिवाइड क्रिएट करती हैं बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द साउदर्न इंडिया। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में ये डिवाइड क्रिएट करती है, एक तो विंध्या माउंटेन्स और सतपुरा माउंटेन्स। ठीक है, ये जो जो माउंटेन्स आ रही हैं आप इनको मैप लेके साथ साथ करते रहे, आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा। जो प्लेट्यू है साउथ में वो है विंध्या माउंटेन्स। विंध्या माउंटेन्स के मतलब जो नीचे प्लेट्यू है उसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो साउथ के एरिया के अंदर ये आपका सारा पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक मिलती है, मतलब जो बिल्कुल अलग है नॉर्दर्न माउंटेन से। और ये जो रॉक्स होते हैं इनको कट करना बहुत इजी है, इसीलिए जो साउथ के एरियाज हैं वहाँ पे आपको ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे जो कि रॉक कट होते हैं। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। जो आपका ये डेक्कन प्लेट्यू है मैंने बताया ये बीच में है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स है और ये आपके ईस्टर्न घाट्स है। एंड ईस्टर्न ये आपका ईस्टर्न घाट्स है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका क्या है कोरोमंडल कोस्ट भी है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो अरेबियन सी से साथ साथ बहते हैं, मतलब अल रन्स अलोंग, एंड जो लैंड है बिटवीन दीज आर नोन एज कोंकण। ठीक है, जो आपका एरिया है, जस्ट अ मिनट, जो ये आपका वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, यहाँ पे जो गोवा है, गोवा तक तो इसे कहते हैं कोंकण, एंड उसके बाद कहते हैं इसे कनारा। ठीक है, कनारा या कैनेरा ये कहते हैं। जो साउदर्न मोस्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। एंड वेस्टर्न घाट के अंदर जो पासेज हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे जुन्नार, ठीक है ध्यान रखिएगा, जुन्नार है, कनहेड़ी है, कारले है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रेड रूट्स हैं वेस्टर्न पोर्ट्स के लिए, कौन कौन से, जुन्नार, कनहेड़ी एंड कारले। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, एंड जो विंध्या माउंटेन्स है उसके अंदर भी डेंस फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से ये जो रीजन है वो नॉर्थ से बिल्कुल ही अलग नज़र आता है। लैंग्वेज और जो कल्चर है वो भी थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। साउदर्न एंड में रिमेन्स द फेमस पालघाट पास भी है साउदर्न एंड के अंदर, एंड ये पैसेज है अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मालाबार कोस्ट। तो कावेरी रिवर से मालाबार कोस्ट तक ये है, ठीक है, कावेरी वैली से। तो एक बार मैप ले लीजिए, कावेरी वैली देखिए कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट का है, और उसको देखिए आपको ज्योग्राफी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पालघाट पोस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा इंडो रोमन ट्रेड के लिए भी इन द एंशियंट टाइम्स। देन साउदर्न पेनिनसुला के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनायमुड़ी। ठीक है, देन आपकी जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर है सबसे हाईएस्ट पीक वो है डोडापेटा। ओके, डोडापेटा जो भी है, तो डोडापेटा। ईस्टर्न घाट्स इतने हाई नहीं है, एंड उसके अंदर काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं क्योंकि जो रिवर्स हैं वो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती हैं एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिर जाती हैं। तो ईस्टर्न घाट्स इतने हाई नहीं है, ये रीज़न नहीं है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स हाई नहीं है तो ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स होती है। एंड यहाँ पे जो आपको पोर्ट सिटीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी अरिक्का मेडू, मम्मलपुरम एंड कावेरी पट्टनम। तो ये तो आपने सुना भी होगा मम्मलपुरम, जहाँ पे अभी चाइनीज़ के जो वो थे जी जिनपिंग एंड जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे इनकी फॉर्मल मीटिंग भी हुई थी, इनफॉर्मल मीटिंग। नाउ जो मेजर रिवर्स है साउदर्न पेनिनसुला के अंदर वो ज़्यादातर आपको पैरेलल मिलेंगी, एंड ईस्टर्न एंड पे आपको महानदी मिलेगी। ठीक है, नर्मदा और जो ताप्ती है वो ध्यान रखिएगा वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा एंड ताप्ती। जो दूसरी रिवर्स है गोदावरी, कृष्णा, तुंगा,
तुंगभद्र, कावेरी, ये सब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती है, और ये जो रिवर्स है ये प्लेट्यू बनाती है इनटू अ फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल। ठीक है, तो राइस यहाँ पर बहुत होता है। एंड हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो कृष्णा और जो तुंगभद्रा का जो बीच का रीजन है उसे कहते हैं रायचूर दोआब। यहाँ पे इट रिमेन अ बोन ऑफ कंटेंशन क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे किंगडम्स हुए, एंड जो डेल्टिक प्लान्स बनाए बनाते हैं ये दो टू रिवर्स कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके माउंट्स पे तो यहाँ पे सतवाहनास भी थे। तो नंबर ऑफ टाउन्स यहाँ पे फ्लरिश हुए हैं क्रिश्चियन इरा के अंदर भी। ओके, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये मेन्स के लिए भी और प्रिलिम्स के लिए भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कावेरी जो डेल्टा है वो उसका अलग खुद का जोग्राफिकल जोन है फार साउथ के अंदर, एंड ये चोला पावर की सीट रही। जो कावेरी बेसिन है वहाँ पे बहुत रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर एंशियंट टाइम से ही बहुत फ्लरिश कर रहा है। साउदर्न पेनिनसुला आपको पता होगा लॉन्ग कोस्ट लाइन है, एंड बताइए सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की। ठीक है, जो पीपल है इस रीजन के वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं साउदर्न पेनिनसुला में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में, बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स अर्ली टाइम से चलता आ रहा है। आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे फिर वो आए थे, क्या नाम है उनका, जो सबसे पहले आए थे वास्को डा गामा, एंड फिर किस तरीके से यहाँ पर आए यूरोपियंस। ठीक है, और फिर यहीं आके रह गए और फिर किस तरीके से हम पे शासन किया। ईस्ट के अंदर जो मैराइनर्स हैं वो कंट्रीज़ में पहुँच सकते हैं, मैराइनर्स रीच्ड कंट्रीज़ लाइक जावा, सुमात्रा, बर्मा, कैम्बोडिया। तो मैप ले लीजिए, देखिए एटलस की बुक के अंदर कहाँ कहाँ है और फिर खुद से फिल कीजिए। ट्रेड के अलावा यहाँ पे इंडियन आर्ट, रीजन, कल्चर बहुत सारे एरियाज़ में फैला हुआ है। तो जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है साउथ इंडिया में एंड ग्रीको रोमन कंट्रीज के अंदर वो कल्चरल रिलेशंस के थ्रू फ्लरिश किया है। तो इंडिया एक लैंड है ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, शाइशंस, शाइशंस, आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, साइकियंस करेंगे या क्या करेंगे, आप लिख के बताइएगा, होन्स, तुर्क्स, तो इन सब ने अपना घर बनाया। हर एथनिक ग्रुप जो है वो अपने इंडियन कल्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करके गया है, एंड ये सब पीपल आपस में इतने मिक्स हो गए कि इनका मतलब कोई ऐसा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है बल्कि डिफरेंट कल्चर्स मिंगल्ड हो गए, एंड काफ़ी सारे प्री आर्यन और ड्रेविडियन टर्म्स अकर भी करते हैं वैदिक टेक्स्ट के अंदर भी, जैसे पाली हो गया, संस्कृत हो गया, ये भी अपियर होते हैं संगम लिटरेचर में। तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है वो लैंड है सेवरल रिलीजन्स का, एंड एंशियंट इंडिया के अंदर आप हिंदुइज्म का बर्थ भी देखेंगे, जैनिज्म का भी, बुद्धिज्म का भी। तो ये सब कल्चर्स एंड जो रिलीजन्स हैं वो इंटरमिंगल्ड हो गए विद वन अनदर, एंड ऑल दो इंडियन पीपल अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं सबके, लेकिन स्टाइल ऑफ लाइफ थ्रू आउट द कंट्री एक ही है। तो दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो नेम है भारतवर्ष और लैंड ऑफ भारत, ये जो भारत नाम है ये पूरी कंट्री को दिया गया क्योंकि एक एंशियंट ट्राइब थी भारतास, एंड हमारे जो एंशियंट पॉइंट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने भी कंट्री को इंटेग्रल यूनिट ही माना है। जो पॉलिटिकल यूनिट है ये दो बार हमने अचीव की, मौर्यन में भी, टाइम पीरियड में भी, एंड गुप्ता में भी। यूनिटी ऑफ इंडिया फॉरनर्स ने भी देखी, सबसे पहले वो उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आए जो सिंधु रिवर पे रहते थे यानी कि इंडस रिवर पे, एंड उसके बाद ही देखिए इंडस से, सिंधु से ही नाम बना हिंद। ओके, इंडिया जो है उस वो वर्ड है ग्रीक के अंदर, हिंद जो है वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर है। तो लिंग्विस्टिक एंड जो कल्चरल यूनिट है दे वर मेड थ्रू आउट द एजेस, एंड थर्ड सेंचुरी के अंदर, ध्यान रखिएगा जो थर्ड सेंचुरी थी उस टाइम पे प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो कंट्री की लिंगुआ फ्रांसा बन गई थी। ठीक है, एंड मेजर पोर्शंस के अंदर जो अशोका इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे हैं। जो रामायण एंड जो महाभारत है वो भी सेम जील एंड डिवोशन के साथ लिखी गई। जो आपकी रामायण है, महाभारत है, वो ओरिजिनली तो संस्कृत में लिखी गई है लेकिन अब ये काफ़ी काफ़ी लैंग्वेजेस के अंदर भी प्रेजेंट की गई है। तो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ और जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस हो सकते हैं, एंड जो सब्सटेंस है वो तो सेम ही रहेगा। तो इंडिया एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, प्लूरल करेक्टर है जिससे कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस चैप्टर इज़ डन, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। सो हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो देखिए अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडन ये कहाँ से आए थे? स्वेट वैली से आए थे, ध्यान रखिएगा। जो टू रिवर्स के बीच का रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। रिवर गंगा कहाँ से आती उगती है?
उगती नहीं बोलेंगे, राइस कहाँ से होती है, तो आपकी हिमालय से होती है। साउदर्न पेनिनसुला में सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, साउदर्न पेनिनसुला के अंदर है आपका सबसे हाईएस्ट पीक। अच्छा, वेस्टर्न घाट में तो है अनायमुड़ी, एंड साउदर्न पेनिनसुला के अंदर मैं, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, क्योंकि अभी हम साथ में कर लेंगे ना, तो फिर इससे हमें फायदा होगा। हाँ जी, देखिए साउदर्न पेनिनसुला में है अनायमुड़ी, एंड डोडा पेटा है आपकी वेस्टर्न घाट्स के अंदर। तो अगर इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमें याद रह जाएंगे। हाँ जी, अब देखिए मैच करना है तो आपको मैच कीजिए। अभी देखिए पढ़ाया था वेस्टर्न घाट्स में क्या है, डोडा पेटा। गॉडविन ऑस्टिन का है आपकी कराकोरम के अंदर सेकेंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। माउंट अबू अरावली हिल्स के अंदर है, राजस्थान के माउंट अबू में। माउंट एवरेस्ट हिमालयाज में है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हिमालयाज की। नर्मदा रिवर, देखिए अभी मैंने आपको बताया नर्मदा और जो तापी है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो ये हो गया आपका गलत। कावेरी रिवर साउथ टू नॉर्थ, तो ये थोड़ा आपको देख लेना, एंड आप बताइएगा किसका आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। देन आपकी यमुना रिवर ताप्ती के साथ मिलती है, तो ये तो शायद नहीं है, गलत है। एंड महानदी रिवर इरिगेट्स द पंजाब रीजन, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नाउ जो पाटलिपुत्र है, देखिए पाटलिपुत्र गंगा और सन के कॉन्फ्लुएंस पे मिलती है, तो ब्रह्मपुत्रा नहीं आएगा, तो ये आपका रॉन्ग है, ये भी ट्रू फॉल्स है। अच्छा, इसमें से बोला है करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड कीजिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसकी है आपकी, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी कावेरी रिवर रन्स फ्रॉम आई थिंक। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि, क्योंकि ये तो देखिए गलत है, यमुना रिवर ताप्ती के साथ भी नहीं मिलती। आई थिंक बी कैन बी द करेक्ट आंसर, तो आप मुझे बताइएगा कि फोर्थ का आंसर क्या होगा, ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा है, यू प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देखिए थोड़ा रिवर्स को, एंड ये आपका होमवर्क भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया गंगा रिवर तो सन रिवर के साथ मिल रही है। जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ, यस ये करेक्ट है। पालाघाट पास आपका वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, आई थिंक ये भी करेक्ट है। इंडिया मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो पालघाट पास साउदर्न के अंदर तो है, ये नहीं पता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी है या नहीं है, तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो खुद देख देख के बता रही हूँ, मैं खुद इस चैप्टर को आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि यही एक चैप्टर है एंशियंट और मेडिवल इंडिया जो मेरा रह गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके थ्रू पढ़ाया जाए एंड आपको भी पढ़ाया जाए। तो ये रहा पालघाट पास, पालघाट पास जो है वो आपका साउदर्न एंड के अंदर ही, मतलब साउदर्न में ही लिखा जाएगा, तो ये आपका है घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मालाबार। एंड कुछ देखिए खास लिखा नहीं हुआ है कि ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही है, तो हम इसको ट्रू ही टिक कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मेंशन नहीं है, तो आप इसको नेट से भी देख सकते हैं। ओके, सो अब इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो इसका मतलब आपका प्री क्लियर हो गया, अभी आपके मेंस के क्वेश्चन है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, प्रीलिम्स इज वेरी नियर, कोरोना के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, पेपर टाइम पर ही होगा, ठीक है, तो ये कोरोना से भी हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें, एंड वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। जो क्वेश्चन आपको पूछा है मैंने उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव होंगे एंड साथ ही साथ में पार्टिसिपेट करेंगे वीडियो के अंदर, अपना योगदान देंगे कमेंट्स करके। ओके, सो थैंक यू सो मच।